बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आसमा तारिक आपके इस्लामियत के सिलेबस की दूसरी अहादीस से मुतालिक आज आपसे गुफ्तगू करूँगी। आज जो हमने हदीस मुंतखब की है, हदीस नंबर 2 है आपके सिलेबस की, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इंसानी फितरत का तकाजा है कि अपनी ज़ात और इस वसी कायनात के बारे में जानना और उस पर अमल करना उसका फ़र्ज़ माना जाता है। बग़ैर इल्म के इंसान दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता और अपनी आखरत भी नहीं संवार सकता, खालिक और मालिक का कुर्ब भी हासिल नहीं कर सकता। इल्म का मतलब जानना है, और जब तक हम हर चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, हमारे दिमाग की वसतें नहीं खुल सकती। इंसान की बुनियादी ज़रूरत इस बात के पेश नज़र है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर हदीस के ज़रिए इस बात पर ज़ोर दिया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही जाना क्यों ना पड़े। इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इंसान अपने मकाम को इल्म के ज़रिए ही हासिल कर सकता है, और इसकी फ़राइज़ की अदायगी के साथ ही वो अपने आप को क़यामत की बुलंदियों में भी पहचाना जा सकता है। आखरत में जवाबदेही का सिलसिला इल्म की ही मरहूने मिन्नत है। इल्म को नूर कहा गया है, और इसकी रोशनी में हम दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आखरत में भी सुरखरू हो सकते हैं। ममा अलैना इल्लल बलाग।